हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टॉप 10 ऐसे फंक्शन कि जिनका गूगल शीट में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेरी फंक्शन के बारे में कि क्वेरी फंक्शन का गूगल शीट में आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये डेटा बनाया हुआ है, जहाँ पर कुछ नेम ऑफ आइटम है, क्वांटिटी है और प्राइस है और उनका सेल है। ठीक है, अभी क्वेरी फंक्शन का गूगल शीट में यूज हम क्यों करते हैं। अभी देखिए, जैसे यहाँ पर एक डेटा आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर इस तरह से डेटा है। ठीक है, अब इसमें किसी डेटा में से आपको किसी एक पर्टिकुलर आइटम का अगर कोई डेटा चाहिए तो कैसे उसको आप ले सकते हैं। उसके या तो दो तरीके हैं, या तो आप फिल्टर के थ्रू उस डेटा को देख सकते हैं या उसको कॉपी करके किसी और शीट में कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, तो क्वेरी फंक्शन ही है जिसके थ्रू आप वन टाइम में क्वेरी फंक्शन यूज करके वो सारा का सारा डेटा आप वहाँ पर ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेरी जैसे लिखा, टाइप किया, तो ये पूछा डेटा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या है कि पूरा का पूरा ये डेटा यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, अभी सेलेक्ट कर लिया, तो अभी यहाँ पर क्वेरी क्या लगेगी। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी दिया गया है, तो हम यहाँ यूज करेंगे सेलेक्ट, क्योंकि अब हमें डेटा सेलेक्ट करना है कॉलम वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉलम लेता हूँ। अब हम ए वाला कॉलम छोड़ देंगे क्योंकि हमें नेम ऑफ आइटम के बेस पर पूरा डेटा चाहिए। तो यहां पर मैं कॉलम सेलेक्ट करूंगा बी सी डी। ठीक है, अब देखिए यहां कंडीशन क्या लगाएंगे कि वेयर, अब किस कॉलम में हमें डेटा है, हमारा ए कॉलम में। ठीक है, ए इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं हमें जाकर डेटा चाहिए कूलर का। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर इंटर किया, तो कूलर से रिलेटेड जितना डेटा है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा जो है हमारे सारा यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, तो ये डेटा सारा आ चुका है क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन क्या लगाई थी, हमने यहाँ लिया था कॉलम बी एन सी एन डी। तो कॉलम हमारा है बी सी एन डी। ठीक है, और फिर हमने उसके बाद कंडीशन क्या लगाई यहाँ पर कि जहाँ पर ए कॉलम में अगर जहाँ पर एक कूलर हो तो उसका सारा डेटा हमें यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, अब सपोज करो मैं अगर यहाँ पर इसको अगर चेंज करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ टीबी। ठीक है, और इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर टीबी से रिलेटेड जितना भी डेटा है आप ये देख रहे होंगे, ये सारा का सारा डेटा जो है यहाँ पर है। आप पांच रिकॉर्ड यहाँ पर हैं तो दो यहाँ पर हैं। ठीक है, तो टोटल 7 रिकॉर्ड हैं, तो जिसका डेटा हमें यहाँ पर आ गया है। तो क्वेरी फंक्शन का आप अपने जिस तरह से भी आपको नीड है उसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये था क्वेरी फंक्शन। ठीक है, तो अगले फंक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा है इंपोर्ट रेंज। ठीक है, तो इंपोर्ट रेंज फंक्शन करता क्या है। अब इंपोर्ट रेंज जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि किसी डेटा को अगर आपको किसी अदर शीट से इंपोर्ट करना है, ठीक है, तो कैसे होगा। तो उसके लिए मैं कोई एक सीट ओपन कर लेता हूं। अब जैसे कि ये वाला सीट है, ठीक है, अब ये सीट यहां पर ओपन हो रखी है। ठीक है, तो गूगल ड्राइव में हम कोई दूसरा सीट ले लेते हैं कि जिसके थ्रू हमें इसका डेटा यहां पर मिल जाए। ठीक है, तो गूगल ड्राइव से मैं कोई एक शीट के थ्रू आपको समझाऊंगा कि
कैसे हम इंपोर्ट रेंज के थ्रू किसी अदर सीट से उस सीट का सारा डेटा वन टाइम में उसको कैसे हम वहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक एक सीट ओपन होके यहाँ पर दिखा दूंगा। और हमेशा ये होता है कि जितना भी हम काम करते हैं तो डेटा हमारा ऑटोमेटिकली जो है गूगल ड्राइव के अंदर सेव होता रहता है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने गूगल ड्राइव ओपन किया है, ठीक है, मैं एक अनटाइटल्ड शील्ड को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से कोई भी। ठीक है, तो शील्ड यहाँ पर ओपन हो रही है। ठीक है, तो अभी क्या है, हमें यहाँ इंपोर्ट रेंज के थ्रू ये जो डेटा है सारा, ठीक है, ये हमें चाहिए इस शीट पर। तो कैसे होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इस शीट का पूरा लिंक जो है कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर यूज करेंगे इम्पोर्ट रेंज। ठीक है, इम्पोर्ट रेंज हमने यूज किया था, देखिए यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है। तो हमने ये क्या करेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा लगा के वो जो हमने लिंक वहाँ पर कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देन अब यहाँ पर क्या है, अगला जो हमारा यहाँ पर है, हमें सीट का नाम देना है। तो यहाँ पर क्या है, सीट टू। ठीक है, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पर रिनेम कर लेंगे और इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद हमें इसको यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, फिर हमें ये वाला साइन यूज करना है। अभी हमें डेटा कहाँ से चाहिए, तो डेटा हमारा B1 से है। ठीक है, और यह है अपना आई तक। ठीक है, या B1 से लेके G। ठीक है, B1 से लेके G, या अगर हमें पूरा यहाँ तक चाहिए तो हम यहाँ ले लेते हैं पूरा H तक ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या है, B, ये देखिए मेरा जहाँ कर्सर है वहाँ B1 है। ठीक है, और यहाँ से हम ले लेते हैं H तक। ठीक है, तो हम यहाँ यूज करेंगे B1H। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला में लग गया है तो एक्सेस के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको ओके करना है। अब देखिए जो डेटा यहाँ पर था इस सीट पर, ठीक है, वो सारा का सारा डेटा देखिए अब यहाँ पर आ गया है। तो ये देखिए इस फॉर्मूले का सबसे बड़ा मैजिक यही है कि वन टाइम में ही जो है पूरा का पूरा डेटा जो है यहाँ पर इंपोर्ट कर देता है। अब इसको आपको बार बार इसमें, अब देखिए होगा क्या है कि इस सीट में अगर कोई चीज अगर फीड होगी आगे टाइम पर, ठीक है, तो वो सारा का सारा डेटा क्या है ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट होता रहेगा। ठीक है, अब सपोज करो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ वॉशिंग मशीन, मैंने लिखा, ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ लिखा है तो आप देखिए अभी थोड़ी देर में यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो डेटा। ये देखिए मैंने यहाँ पर एंट्री की तो डेटा यहाँ पर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो भी डेटा इसमें फीड होगा वो ऑटोमेटिक हमारा उसमें चले जाएगा। तो ये था इम्पोर्ट रेंज फंक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फंक्शन है। ठीक है, तो अगला हमारा फंक्शन है यूनिक। यूनिक का जो फंक्शन है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है,
ये जो फंक्शन क्या है, सपोज करो अगर हमने नेम ऑफ आइटम है यहाँ पर, तो इसमें ये यूनिक रिकॉर्ड हमें निकाल के दे देता है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूनिक यूज करेंगे और रेंज हम पूरी ये ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी इसमें देखिए विद डुप्लीकेट के साथ कितने रिकॉर्ड है, 19, लेकिन जो इसने यूनिक रिकॉर्ड निकाल के दिखाए वो है 4। एलईडी है, एलसीडी है, टीवी है एंड कूलर है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस यूनिक फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगला हमारा जो फंक्शन है वो है स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है, जैसे यहाँ पर नाम देख रहे होंगे आप, राकेश कुमार, मनीष कुमार, लोकेश सिंह, राजेश सिंह, ये उसको टैक्स को अलग अलग उसमें सेग्रीगेट कर देता है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्प्लिट करेंगे। ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी, किसी भी फंक्शन को अगर समझना है तो उसका यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल भी दिया है। ठीक है, तो ये हमने यूज किया इसको, फिर हम इसको स्पेस के साथ हमें अलग चाहिए। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से यहाँ पर यूज करेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये देखिए राजेश अलग हो गया, कुमार अलग हो गया, तो सबका अलग अलग नेम जो है सेग्रीगेट हो गया। तो ये था स्प्लिट फंक्शन। ठीक है, अगला हमारा है एरी फॉर्मूला। तो एरी फॉर्मूला का यूज आप कई तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए एरी फॉर्मूला क्या करता है, मैं चाहता हूं कि मैं इस प्राइस पर क्वार्टर को, ठीक है, प्लस इसके साथ मुझे इसको ऐड करना है। तो देखिए इस तरह से पूरा का पूरा, देखिए आप इस तरह से यहाँ पर इसका रिकॉर्ड यहाँ पर टोटल होके आ गया। तो हमें अलग अलग फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इसने वन टाइम में ही देखिए पूरा निकाल के दे दिया कि इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो एरी फॉर्मूला का कई तरीके से यूज होता है। ठीक है, तो ये था एरी फॉर्मूला। अगला हमारा जो फंक्शन है वो है इफ इरर। अब इफ इरर क्या है, ये क्या है कि कोई भी अगर इरर है तो ये उसको रिमूव करता है। ठीक है, और सपोज करो मैं यहाँ पर कुछ डेटा मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब एक तरफ मैंने यहाँ रख दिया है नेम ऑफ आइटम। ठीक है, अब हम यहाँ पर यूज करते हैं वीलुकअप। ठीक है, तो वीलुकअप मैंने यहाँ यूज किया है, अब देखिए इसका यूज हम क्यों करते हैं, सबसे पहली बात वो हमें समझने की वो है यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ तक लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैंक आ गया। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर कोई एक इस तरह से रख लेता हूँ। ठीक है, एक इसको ऐसे हम सम कर सकते हैं। हाँ, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, अभी देखिए जैसे यहाँ पर एक इरर इस तरह से हमें यहाँ पर दिख गया। अब इफ इरर फंक्शन क्या करता है, अगर हम उसको लुकअप में इफ इरर के साथ अगर यूज करेंगे तो इस तरह का जो फंक्शन, ये हमें जो इरर दिख रहा है ये हमें इरर क्या है, शो नहीं होगा। ठीक है, अब कैसे मैं आपको बताऊंगा। पहले हमने खाली सिंपल यहाँ पे वीलुकअप यूज किया था, अभी मैं आपको इसको इफ एरर के साथ यूज करके बताता हूँ। ठीक है, इफ एरर हमने यूज किया, फिर वीलुकअप। ठीक है, सर्च किया हमारा ये है। ठीक है, डेटा कौन से कॉलम में, हमारे सेकंड वाले में, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0। अब ये हो गया, मैं इसको ड्रैग करके दिखाता हूँ आपको कि इसका हमने यूज किया तो इसका हमें क्या रिजल्ट मिला। अब देखिए पहले हमने यहाँ पर लुकअप यूज किया था तो देखिए ये इरर यहाँ पर शो हो रहा था, लेकिन अभी देखिए इफ इरर के साथ हमने इसको यूज किया तो उसका क्या रिस्पॉन्स मिला,
ये जो एरर हमें यहाँ दिख रहा था वो ये देखिए यहाँ पर अब रिमूव हो चुका है। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इफ फंक्शन का यही है कि इसके थ्रू अगर आपको कभी कोई डेटा में से कोई अगर डेटा मैच नहीं होता तो उस केस में इस तरह का यहाँ पर रिजल्ट आता है। ठीक है, आप चाहते हैं कि इस तरह का एरर ना आए तो उसको अगर आपको रिमूव करना है तो आप इफ एरर फंक्शन के थ्रू उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये था इफ एरर फंक्शन। अगला हमारा फंक्शन है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का यूज क्या है, अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो डेटा है वो वर्टिकली है। ठीक है, अभी आप चाहते हैं कि ये डेटा जो है आपका यहाँ पर हॉरिजेंटल में आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम इस यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए पूरा हम इसको डेटा को वन टाइम में ही सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए इंटर प्रेस करते ही हमारा जो डेटा है पहले वर्टिकल में था, अभी आप देख रहे होंगे ये सारा का सारा डेटा जो है यहाँ पर हॉरिजेंटल में हो गया है। तो ये था ट्रांसपोज फंक्शन। ठीक है, इसके बाद हम अगले बार हमारा जो वो है टैक्स जॉइंट। अब टैक्स जॉइंट फंक्शन क्या करता है, कभी आपके पास डेटा क्या है इस तरफ से अलग अलग कॉलम में होता है। ठीक है, आप चाहते हैं कि वन टाइम में कोई फंक्शन ऐसा है जिसके थ्रू मैं इसको पूरा कंबाइंड वन टाइम में कर सकूं, तो वहां पर हम इस फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए टैग जॉइन मैंने जैसे किया तो देखिए यहाँ पर पूरा इसके बारे में दिया भी है। तो ये देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है हमें इसको स्पेस देना है पहले में। ठीक है, डेलीमीटर के लिए अब यहाँ पर हम यूज करेंगे ट्रू। ठीक है, देन हम क्या करेंगे यहाँ पर पूरा इसको ये जो है आप इसको पूरा हम वन टाइम में सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक पेस्ट, सॉरी इसको मैं अंडू करता हूँ। ये देखिए अब जो डेटा है हमारा ये पूरा देखिए यहाँ पर कंबाइंड हो गया है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कॉमा यूज करें बीच में, देखिए कॉमा मैंने यूज किया तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डेटा जो है यहाँ पर कॉमा के साथ आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस टैक्स जॉइन फंक्शन का गूगल शीट में यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा जो अगला फंक्शन है वह है इच फॉर्मूला। अब इच फॉर्मूला क्या करता है, सपोज करो मैंने यहाँ पर ऐसे ही एक मैप एग्जांपल के लिए आपको ऐसे बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं इसको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग कर लिया। ठीक है, ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ पर ये चीज़ रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हम इसको आसानी से समझ पाए इस फंक्शन को। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, अभी मैंने क्या किया इसको इसके साथ प्लस कर दिया, इस वैल्यू को इसके साथ प्लस कर दिया। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूला यूज करूँगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसका क्या रिजल्ट आएगा हमारे साथ। अब देखिए जहाँ जहाँ मैंने फंक्शन यूज किया था आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो वहाँ इसने बताया कि ट्रू। अब जहाँ फंक्शन यूज नहीं हुआ है तो वहाँ इसने बताया फॉल्स। दैट मीन्स जहाँ ट्रू है तो वहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि इस कॉलम में या इस सेल में फंक्शन यूज हुआ है। तो इस फॉर्मूला मीन्स अगर कोई फॉर्मूला होगा तो वहाँ पर ये हमें बता देगा कि यहाँ पर या इस कॉलम में यहाँ पर कोई ना कोई फंक्शन ऑफसे यूज हुआ है। अब सपोज करो मैं अगर यहाँ पर इसको रिमूव करता हूँ तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा, देखिए। ठीक है, तो ये था इस फॉर्मूला।
अब सबसे अब अगला जो हमारा फंक्शन है वह है सॉर्ट। तो सॉर्ट क्या होता है, नॉर्मली आप डेटा में आके भी इसको सॉर्ट कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन फंक्शन के थ्रू भी गूगल शीट में एक ऐसा है कि इसको आप फंक्शन के थ्रू भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो सॉर्ट कैसे होगा, इसको आप पूरा वन टाइम में सेलेक्ट करके, अभी डिसेंडिंग में है, अभी इसको ये असेंडिंग में कर देगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे पहले जो हमारा जो नेम ऑफ आइटम था वो डिसेंडिंग ऑर्डर में था, लेकिन अभी जैसे मैंने सॉर्ट फंक्शन यहाँ यूज किया तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है, ठीक है। तो ये थे टॉप 10 फंक्शन, ठीक है। जैसे मैंने आपको इसमें बताया क्वेरी फंक्शन का, इंपोर्ट रेंज का, यूनिक का, स्प्लिट, एरी फॉर्मूला, इफ एरर, ट्रांसपोर्ट, टैक्स जॉइन, इज फॉर्मूला एंड सॉर्ट फंक्शन। तो ये ऐसे टॉप 10 फंक्शन हैं गूगल शीट में कि जिनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।